वीडियो देखने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट और फुटबॉल न्यूज के लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी खबर छूट न जाए। तो मैं हमीर और आपका मार्थिन क्रिक पर मैं बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया एक और क्रिकेट न्यूज़ वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के सेकंड ओडीआई के बारे में। मैं आपको इस मैच का प्रीव्यू दूंगा, प्रिडिक्टेड प्लेइंग बताऊंगा, साथ साथ विनिंग चांसेस भी बताने की कोशिश करूंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड 5 ओडीआई में से सेकंड ओडीआई खेला जाएगा 26 जनवरी सुबह 7:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार। लाइव आप इस मैच को टीवी में देख सकते हो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और ऑनलाइन हॉटस्टार पर। तो दोस्तों जैसा कि फर्स्ट ओडीआई में इंडिया ने एक ज़बरदस्त जीत हासिल किया और उसी जीत को बरकरार रखना चाहेगा टीम इंडिया और इस सीरीज में पकड़ बनाने की कोशिश भी करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड बहुत ही कमज़ोर लग रहा है भारत की तुलना में। अभी भारत का जो परफॉर्मेंस है बैटिंग बॉलिंग दोनों ही ज़बरदस्त अच्छा है और दोनों में ही अभी न्यूजीलैंड थोड़ा बहुत कच्चा लग रहा है। और अगर न्यूजीलैंड फास्ट मैच पर अपना कमजोरी पर इस मैच पर काम करे तो शायद कुछ बात बन सकता है न्यूजीलैंड के लिए। और न्यूजीलैंड भी कोशिश करेगा इस सीरीज में बना रहने के लिए और इस मैच पे भी जीत हासिल करने के लिए। तो दोनों टीमों के बीच एक टक्कर का मुकाबला होगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। दोनों का ही चाहत है इस मैच पे जीत हासिल करने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि इस मैच पे क्या होता है और आप इस मैच को मिस मत करना। तो अब चलिए हम टीम इंडिया के प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों शायद इंडिया कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, उनके पास एक विनिंग साइड है और उसी साइड को रखना चाहेगा। तो ओपनिंग जोड़ी होगा रोहित शर्मा और शिखर धवन हमेशा की तरह ही, उसके बाद 3 नंबर पर विराट कोहली, 4 नंबर पर MS धोनी, 5 नंबर पर अंबटी रायडू। इनके जगह कार्तिक को एक मौका मिल सकता है लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है। उसके बाद 6 नंबर पर होगा केदार यादव, उसके बाद 7 नंबर पर विजय शंकर। इनके जगह में किसी एक नया बॉलर को शामिल किया जा सकता है, जैसा कि दोस्तों मोहम्मद सिराज यहां पर आ सकता है लेकिन चांस बहुत ही कम है। उसके बाद नेक्स्ट होगा कुलदीप यादव, उसके बाद चहल रहेगा। तो दोस्तों कुलचा का जो कॉम्बिनेशन फास्ट मैच पर हमें दिखा इस मैच पर भी बरकरार रखेगा टीम इंडिया, क्योंकि दोस्तों एक विनिंग साइड है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं और कुलचा को तो ज़रूर रखेगा टीम इंडिया। और उसके बाद होगा भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। तो दोस्तों ये तो था मेरा प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11, आपका क्या राय है इस बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों मैं तो जाऊंगा टीम इंडिया के साथ, टीम इंडिया का जीतने का चांस रहेगा दोस्तों यहाँ पर 85% और न्यूजीलैंड का जीतने का चांस रहेगा 15%। आपका क्या राय है कमेंट जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। इंडियन क्रिकेट से जुड़े मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।